ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह एक साथ। यह आप सभी को बता दूं कि 2 तारीख को ज्योति सिंह जो कि पटना जाते हैं और पटना पहुंच के जन सुराज के ऑफिस में जाते हैं और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलती है। जी हाँ, बड़ी खबर आप सभी को बता रहा हूँ। यदि आप लोग प्रूफ मांगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो आप लोग इंस्टा आईडी देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ब्राह्मण गोलू 11, तो आप सभी को बता दो कि ये ज्योति सिंह के टीम मेंबर है और इन्होंने जो कि फोटो डाला है प्रशांत किशोर जी के साथ। और यदि आप लोग ज्योति सिंह को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो ज्योति सिंह जो कि 2 सितंबर को स्टोरी लगाई थी वे टू पटना। जी हाँ, पटना गई थी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने के लिए। उनका तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन अंदर की जो खबर सामने आ रही है वो पूरा रिपोर्ट आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि ज्योति सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगी, क्या पवन सिंह भी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं कि नहीं, पूरा रिपोर्ट आप सभी को बताने जा रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह भी जनसुराज को ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, पटना पहुंचेंगे पवन सिंह और जनसुराज को ज्वाइन करेंगे। और अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो पवन सिंह जो कि विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी पत्नी ज्योति सिंह को जो कि एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे, वो भी आरा के बड़हरा प्रखंड से। और पावर स्टार पवन सिंह जनसुराज के स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे और जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो आरा से पावर स्टार पवन सिंह जनसुराज के लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है सोचा कि आप सभी को मैं बता दूं। और स्टार्टिंग में आप लोगों से मैं बोला था कि ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह एक साथ, तो आप सभी को बता दूं कि आज से 1 साल पहले ही अक्षरा सिंह जो कि जन सुराज पार्टी को ज्वाइन कर ली है। और पवन सिंह, अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह बहुत जल्द आप सभी को एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे और वो दिन हो सकता है 2 अक्टूबर। जी हाँ, 2 अक्टूबर के दिन जो कि जन सुराज पार्टी का स्थापना किया जाएगा। अभी तक इस पार्टी का जन सुराज नाम रख दिया गया है, हर जगह प्रचार हो रहा है, बिहार के गलियों गलियों में इस पार्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन इस पार्टी की स्थापना होगी। यहाँ पे पवन सिंह, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह भी पहुंचने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जो कि बिहार के 243 विधानसभा चुनाव पर जो कि चुनाव लड़ेंगी। और प्रशांत किशोर ने यह वादा किया था कि 243 में तकरीबन 40 सीटों पर मैं महिलाओं को टिकट दूंगा, तो आरा के बड़हरा प्रखंड से जो कि ज्योति सिंह को टिकट मिल सकता है। जी हां, पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह जो कि आरा से चुनाव लड़ेंगी और पवन सिंह जो कि अपना पावर दिखाएंगे और स्टार प्रचारक के रूप में जन सुराज पार्टी का बिहार के गलियों गलियों में घूम के प्रचार करेंगे। जी हाँ, पवन सिंह केवल अकेले ही नहीं बल्कि पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह भी, जो कि दोनों लोग मिलके बिहार के गलियों गलियों में जन सुराज पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। जी हाँ, जब ये दोनों एक साथ किसी स्टेज पे पहुंचेंगे तो लाखों के तादाद में लोग आएंगे और प्रशांत किशोर वहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। तो बड़ा अपडेट ये है कि बहुत जल्द आप सभी को एक मंच पर अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और पवन सिंह दिखाई देने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट आप सभी को कैसा लगा, अपना राय जरूर ही कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या पवन सिंह को जन सुराज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए।